Hello dear students, this is Salma Aftab standing in front of you and today we are going to start our new class, I mean class 9 and the first chapter is our language of chemistry. Okay, so language of chemistry, the name of the chapter is language of chemistry. Before the discussion of this chapter, first of all बेटा students try to understand कि ये chapter हम लोगों के book में क्यों include किया गया है. एक से when we just enter in our ninth class, जैसे हम ninth class को enter करते हैं, subject वो क्या होने लगती है, higher level पे आने लगती है. subject वो जो होती है वो हायर लेवल पे आने लगती है. सो टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. सपोज इफ बिकॉज लैंग्वेज इज द फर्स्ट मीडियम टू कम्युनिकेट विद एनीवन. सपोज इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री and if we don't know their language, suppose we are going to I can say China, but देखो अभी फिलहाल तो कोई नहीं जाना चाहता, I know, but फिर भी I am taking just an example क्योंकि चाइना जल्दी किसी को नहीं आती है. That's why I am using the taking as an example the China. तो we don't, if we don't know the language of China, then how do we interact with them? And if that people, they don't know our Hindi language, then how do we communicate with them? कैसे हम communicate करेंगे? In the same way, if we want to understand the chemistry, if we want to understand the chemistry, we have to first of all understand their language. उसकी language को समझना होगा, उसकी उसकी भाषा को समझना होगा, तभी यहां पे चैप्टर हम लोग का मिला है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. अच्छा अब लैंग्वेज पढ़ने के लिए हिंदी अगर देख लो, इन हिंदी हम लोग कहां से अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं. इन इंग्लिश मतलब हिंदी में अल्फाबेट आई मीन वर्णमाला जिसे कहते हैं, इन इंग्लिश अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं. तो इन द सेम वे अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, उसकी लैंग्वेज को पढ़ना है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंबल. एबीसी डी ये सब क्या है, अल्फाबेटिकल सिंबल है, अल्फाबेट्स का सिंबल है. इंग्लिश को पढ़ने के लिए कोई भी हम सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी वर्ड बनाएंगे, देन डेफिनेटली वी यूज दैट अल्फाबेट्स. इन द सेम वे हिंदी में भी हम लोग जो बात करते हैं, जितनी भी बातें करेंगे उसमें हम लोग वही वर्णमाला का यूज होगा. हिंदी के जो भी है, जितने भी वर्ड्स है, आ से लेके ग्या और का से लेके, हाँ आ से लेके ग्या था कंप्लीटली हो गया, वो वर्णमाला हम लोग, ठीक है. तो इन द सेम वे तो केमिस्ट्री का भी तो बेसिक स्टेप होगा, केमिस्ट्री का भी तो बेसिक स्टेप है. और दैट बेसिक स्टेप, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज योर सिंबल. पहले हम सिंबल को जान, अगर केमिस्ट्री में हम नॉर्मल अपने घर में हम क्या कहते हैं, पानी कहते हैं, ठीक है, वॉटर कहते हैं, इन इंग्लिश वॉटर, बट इन केमिस्ट्री इट इज H2O, इट इज H2O. घरों में हम क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, बट इन केमिस्ट्री इट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड. वो एक जो कपड़ा धोने की वो आती है सर्फ जिसको कहते हैं, कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग सोडा, ठीक है, एंड इन केमिस्ट्री इट इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिंबल, ठीक है. तो सो लेट अस स्टार्ट दैट आवर चैप्टर विद द डेफिनेशन सिंबल. सिंबल, सो व्हाट इज सिंबल,
सिंबल है क्या? सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट में जो वो जो एक अल्फाबेट को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंबल. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? तो ये तो हो गया हम लोगों का सिंबल. अब सिंबल की बात, ये सिंबल आया कहां से? सबसे पहले इन 1807 जॉन डाल्टन, इन 1807 जॉन डाल्टन ही रिकमेंडेड द सिंबल. बट उनका सिंबल क्या था? कोई अल्फाबेटिकल लेटर नहीं यूज कर रहे थे. ही वॉज जस्ट रिप्रेजेंटिंग अ फिगरेटिक सिंबल. वो फिगर के फॉर्म में, पुराने टाइम में कैसे लिखना पढ़ना लोग कैसे सीखे, एक पहले वो सिंबल बनाते थे. इन द सेम वे यहां पे जॉन डाल्टन ने 1807 में क्या बताया, वो सिंबल किस तरीके से. लेट अस सी जॉन डाल्टन इन 1807. हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उन्होंने दे सिंबलाइज दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ. हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने इस तरीके से दिया, दिस वन. सल्फर का सिंबल दिया ये दो कट लगाकर. नाइट्रोजन का हाफ, ऑक्सीजन जस्ट लाइक दिस वन. दीज आर द सिंबल्स. कुछ सिंपल सिंबल्स इन्होंने दिया, ठीक है, जॉन डाल्टन. बट तो उसके बाद में ये तो हो गया एलिमेंट का. अगर हम यहां से कंपाउंड बनाते हैं, सपोज NH3 अमोनिया, SO2 H2O, तो वो सिंबल इसके अकॉर्डिंग कैसा बनेगा? सपोज अगर हम सिंबल बना रहे हैं NH3 दैट इज योर अमोनिया एंड दिस वन ये हो गया N, H कितना, ये एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन एंड दिस अनदर हाइड्रोजन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ NH3 अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन which was given in 1807. After that SO2, the symbol of SO2 is, this one is S, ये symbol S का उठाया गया. Then oxygen ये और ये, okay. H2O, let us take another example. H2O, this one is hydrogen and ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन. ओवरऑल दिस इज द सिंबल. बट यहां पे प्रॉब्लम आने लगी, ठीक है. जॉन डाल्टन स्टार्टिंग में तो ये चला, ठीक है, स्टार्टिंग में ये चला NH3 SO2 H2O, ये सिंबल चला. लेकिन बाद में क्या हुई, प्रॉब्लम आने लगी. सो आफ्टर दैट यहां पे क्या हुआ, जॉन डाल्टन के बाद में जेकब बर्जीलियस इन 1814 he started a symbolize the element in a very simple way. He just pick up the first or second letter of the element, every element, और उसी को उन्होंने क्या कर दिया, symbol के form में present कर दिया. जैसे कि हाइड्रोजन H, सल्फर S, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, एल्यूमिनियम AL, फर्स्ट और सेकेंड लेटर. देखो हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर है, सल्फर S, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, एल्यूमिनियम में फर्स्ट लेटर. एल्यूमिनियम का फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर दे यूज़र.
And later on, the IUPAC, later on, the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, उसका जो standard branch है, they just follow these rules. उन्होंने इसी को recommend कर दिया कि इसी को standard माना जाएगा और हम किसी भी element का symbol अगर लिखेंगे, then we follow the same rule as it was given by the Jacob Berzelius. ठीक है, इनके थ्रू जो दिया गया उसी को हम लोगों ने सिंबलाइज कर दिया गया. ठीक है, बट सम ऑफ द एलिमेंट्स विच हैव वी हैव सम एलिमेंट्स हुज सिंबल इज नॉट हिज फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट. कभी कभी पढ़ते हैं ना, कॉपर, कॉपर, बट कॉपर का सिंबल क्या है? CU, नॉट CO. एंड देन आयरन, आयरन क्या है? FeQ. सिल्वर, द केमिकल नेम और द सिंबल इज Ag. इन द सेम वे लेड, PbY. Why we are using these name? कॉपर का CU क्यों यूज कर रहे हैं, आयरन का Fe, सिल्वर का Ag, लेड का PbQ? बिकॉज देयर केमिकल नेम इज डिफरेंट. दिस इज नॉट हिज केमिकल नेम. द केमिकल नेम ऑफ कॉपर इज क्यूब्रम एंड कॉपर. आयरन, द केमिकल नेम ऑफ आयरन इज फेरम. केमिकल नेम ऑफ सिल्वर इज अर्जेंटम. देन प्लम्बर. सोडियम, वी यूज द वर्ड Na. Why? It has the chemical name that is natrium. Natrium. अब देखो यहां पर भी ये IUPAC को फॉलो कर रहा है. ठीक है, कॉपर CU बिकॉज इट्स केमिकल नेम इज क्यूप्रम. आयरन फेरम, Fe, अर्जेंटम Ag, Pb, सोडियम Natrium, that is your Na. So these are the symbols. ठीक है, अगर यहां पे अगर हम इसको लेके जाते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती. ठीक है, तो दैट्स वाई सिंबल. एक चीज और समझो बेटा, सिंबल इज डजंट रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑनली. द सिंबल डजंट रिप्रेजेंट द सिंबल द एलिमेंट ऑनली, इट रिप्रेजेंट द कंपाउंड ऑल्सो. सपोज मीथेन, दैट इज योर CH4. वॉटर मॉलिक्यूल, दैट इज योर H2O. कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2. ठीक है, तो दीज आर, तो ये भी तो सिंबल ही रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है बेटा, ये भी दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द सिंबल. ठीक है, वो कंप्लीटली एलिमेंट को या कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एज योर सिंबल. ओके, इट इज क्लियर. नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, दैट इज योर वैलेंसी. वैलेंसी, वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी. किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी. अब ये कैसे कंबाइन करता है? एक चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर,
that in any chemical reaction, in our chemistry, any chemical reaction, only the outermost electron participate in the reaction. सिर्फ और सिर्फ बाहर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, द इनर इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. आई एम सेइंग ओनली इन केमिकल रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होते हैं, वहां पे कुछ और रिएक्शंस होती हैं, ठीक है. सो हम न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अवर ओन टॉपिक दैट इज योर केमिकल रिएक्शन, बिकॉज इन केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हम वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन में ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो उसी से उस इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है कि मेरा हम लोगों का क्या वैलेंसी. वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी. और कंबाइन करने की कैपेसिटी कौन रखेगा, दैट इज योर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वही पार्टिसिपेट करेगा, और वो कितना कैपेसिटी रखता है किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करने के लिए, और लेटर ऑन वो कंपाउंड बनाएगा, उसी कैपेसिटी को हम लोग कहेंगे, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज वैलेंसी. एम आई क्लियर? चलो हम क्या समझते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी. सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर सोडियम. ठीक है, सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? इट इज 11. अब तक पता होना चाहिए, एक क्लास तक हम लोगों ने याद कर लिया एटॉमिक नंबर सोडियम. द एटॉमिक नंबर इज 11. तो सोडियम और हाउ वी विल राइट इन के एल एम एन इस फॉर्म में याद किया है, तो इन के वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, इन के शेल वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, this one, okay. So the outermost electron will be this, यही हमारा outermost electron होगा, okay. ये समझने की कोशिश करो, the outermost electron will be this one, यही एक electron होगा. और octet rule के बारे में आप लोग को पता है, octet rule according to the chemical reaction, each and every element wants to become stable. हर element अपने आप को stable करना चाहता है, and they gain the stability by forming an octet. 8 electrons जब उसके बाहर वाले shell में आ जाते हैं, then they become stable. वही condition यहाँ पे भी है, always they follow the octet rule. Octet rule, अगर बाहर यहाँ पर एक electron है और यही combine करने की capacity रखेगा, ये नहीं, this will be able to combine. और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट करने के लिए इट हैज टू पॉसिबिलिटी. आइदर इट विल गेन 7 इलेक्ट्रॉन और लूज 1 इलेक्ट्रॉन. इसके पास इट हैज टू पॉसिबिलिटी, आइदर it gains 7 electron or lose 1 electron to maintain the to form the octet. Now tell me, is it possible to attract 7 electron by only 1 electron? क्या ये possible हो सकता है कि एक electron बाहर के 7 electron किसी और के element के 7 electron को वो अपने पास खींचकर एक electron बना सकता है? Is it possible? No. तो ये possibility तो गई. Now, ये सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी होगी, और ये क्या हो जाएगा, दैट्स वाई इट विल लूज और सोडियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे फॉर्म 2 8 एंड देन दैट्स वाई वी यूज अ सिंबल प्लस, बिकॉज इट इज losing its 1 electron, and due to the loss of 1 electron, it has only 10 electron. इसके पास अब क्या हो जाएगा यहां पर 10 electron, but still it has 11 proton, and due to the 11 proton which is positive in charge,
दे एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम हो गई है और प्रोटॉन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, दैट्स व्हाई दे एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गई, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, द वैलेंसी ऑफ सोडियम विल बी वन, ठीक है, प्लस वन। तो ये भी नोट कर रहा है कि वो क्या करेगा, लूज करेगा, ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सो द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज प्लस वन। ओके, नाउ कम टू द क्लोरीन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 7, 2, 8 एंड 7। अगेन इट हैज टू पॉसिबिलिटी, आइदर इट विल गेन वन इलेक्ट्रॉन और लूज और 7 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द ऑप्टिक। ओके, या तो वो गेन करे 1 इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करे 7 इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द ऑप्टिक। तो ये क्या करेगा, इसके लिए सिंपल ये है कि वो 7 को लूज ना करवाकर इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द ऑक्टेट, और यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन इज लाइक दिस, Cl- के फॉर्म में आएगा ये Cl- बिकॉज इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज -1। ओके, -1। नाउ कम टू द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज योर मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 2। अगेन इसके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन या लूज करे, तो सिंपल अब समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इजिली इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, लूज कर जाएगा, तो सो इट विल फॉर्म 2, 8। सो द वैलेंसी विल बी +2 फॉर द मैग्नीशियम, +2। ओके, इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द वैलेंसी। सो स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ, डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड देन ऑक्सीजन फ्लोरीन। दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप स्टूडेंट्स you just understood what I have taught today. Okay, so we will meet in the next class. Stay home, stay safe, and Allah Hafiz.